सारे खास मेहमान बिहार की राजनीति को अच्छी तरीके से समझने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान जी, किसी भी वक्त हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रदीप सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, इन हालात को समझते हुए इस वक्त आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या ये तय माना जाए कि अब परिस्थिति को देखते हुए कुर्सी पर बने रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन साथ बदल जाएगा? बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल वही नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई सुना, लेकिन सैनी जी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को सौंप दे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद, अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है। देखिए, काफी समय से दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही, मामला इसी पर अटका। पिछली बार जो धोखा हुआ उसके बाद आरजेडी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही, लेकिन इसमें कोई दो राय अब नहीं रह गई है कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन फिर से रिवाइव होने जा रहा है। कांग्रेस इसमें शामिल होगी। ये सरकार 24 घंटे की है बीजेपी की गठबंधन वाली या 48 घंटे की, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसका जाना तय है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर तो सानी साहब ने दे दी है ना। सानी साहब कह रहे हैं कि बड़ा अगर आपको जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए एक कदम पीछे आना होगा। माधव आनंद जी, क्या जेडीयू एक कदम पीछे आने को तैयार है चार कदम आगे जाने के लिए? यानी 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे बनने के लिए वो मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंप देंगे, और किसी और में तेजस्वी यादव और कोई नहीं? रूबिका जी, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के टॉलेस्ट लीडर हैं, ये सबको पता है और सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री बनने की बात है, उन्होंने खुद अपने कई बार पत्रकारों को जैसे बताने का काम किया है। वो बिहारवासियों की लगातार सेवा कर रहे हैं और आगे भी बिहारवासियों की सेवा करते रहेंगे, और उनको सर्वमान्य नेता, सभी दलों के जितने नेता हैं सब मानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी टॉलेस्ट लीडर हैं और सर्वमान्य नेता हैं। अब भविष्य में क्या होगा, आरजेडी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रहा है, मैं उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए अधिकृत आज नहीं हूं। नहीं, लेकिन उनके जो भाव हैं उन पर तो आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बहरहाल, मैं आपके पास आऊंगी। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग पासवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात का रिएक्शन लेना चाहती हूं कि बिहार की जो स्थिति है उसके लिए सीधे तौर पर आपका नाम लिया जा रहा है, ये कहकर कि सिंह जो आज की तारीख में मेन केंद्र में दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी का चिराग मॉडल है। आपने सुना ही होगा। जी, चिराग मॉडल का मैं फिक्र एक लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ। मेरी समझ से परे कि भैया ये चिराग मॉडल है क्या? मैं सिर्फ रामविलास पासवान जी का मॉडल हूँ, उनका आंसू उन्हीं की भावनाओं के प्रति। हाँ, 2030 के चुनाव को लेकर ये इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा। तो भैया, जब मैं आपको विपक्ष में लड़ रहा था तो आपको हराने के लिए लड़ रहा था ना? कौन सा सत्ता पर विपक्ष का चुनाव होता है जो आपको जिताने के लिए लड़ा जाए? ना भारतीय जनता पार्टी के साथ था, ना किसी और दल के साथ था, अकेले चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा। और अगर आपको एक नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया तो इसका दुख आपको क्यों हो रहा है भैया? आपको हराने के ही मैं चुनाव लड़ रहा था, और मुझे खुशी है इस बात की चिराग मॉडल में क्या अकेला चिराग पासवान था? उपेंद्र कुशवाहा जी जो इनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग पासवान मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे? वो भी तो उसी मॉडल पे थे, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई क्या बोलते हैं रुबिका जी, आप भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नया आविष्कार करके बताया था बिहार की जनता को, नहीं दुनिया को, कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। भाई सारी बातें किसने बोली? इनकी पार्टी के खुद के नेताओं ने। और आज चिराग पासवान मॉडल की बात कर रहे हैं, पहले जो विराज के मॉडल इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं उनसे इनको समझने की जरूरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। नहीं, लेकिन अब चिराग जी, आगे भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? आपने तो मामा कंस का भी जिक्र कर दिया, माँ देवकी का भी जिक्र कर दिया, और आप नीतीश कुमार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों आपने ऐसा किया है, ये जिक्र किया? रुबिका जी, मैंने कंस मामा का जिक्र इस परिपेक्ष में किया जिस तरीके से कंस को, उनको किस बात का डर था? अपने प्राणों का उनको डर था, और अपने प्राणों के डर की वजह से उन्होंने माँ देवकी के तमाम बच्चों की उन्होंने हत्या कर दी। इसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी वध एक के बाद एक किए जा रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी को खोने के डर से। जयर साहब को रुबिका जी कोई नहीं भूल सकता, क्या हाल किया इन्होंने। चिराग जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन आपने उनको इन्होंने, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ,
मैं सुन पा रही हूँ, आवाज जो है आपकी बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है। अब मैं बस ये समझना चाह रही हूँ, मैं बस आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूँ, इसका जवाब जानना चाहती हूँ कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई फेरबदल होता है तो आप क्या, क्योंकि अनिल सैनी साहब यहाँ पर बैठे हुए आरजेडी के विधायक, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार अगर आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाए तेजस्वी यादव। अगर ऐसा होता तो वो होता था मुख्यमंत्री जी, ये बार बार सीएम मटेरियल, प्रेसिडेंशियल मटेरियल सारी बातें करते हैं। मेरी बस एतराज इतना है कि भाई जब तक सीएम है सीएम मटेरियल तो बन के रहे। आज बिहार सुधार में बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा रहे। ऐसा मुख्यमंत्री होता है क्या? मुख्यमंत्री को चुना गया अपनी कुर्सी बचाने के लिए या हर दूसरे तीसरे साल में गठबंधन बदलने के लिए कि बिहार की स्थिति को बेहतर करने के लिए? जो मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर चलते हो, जो सीएम मटेरियल नहीं बन पाए वो पीएम मटेरियल चाहोगे भगवान दान। जो सीएम मटेरियल नहीं वो पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीधे तौर पर अटैक एक बार फिर से नीतीश कुमार को कर रहे थे। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस बीच बने हुए। माधव आनंद जी, आपने सुन लिया है, खेल अब बहुत आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज से चिराग पासवान ने कह दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर बार आप अपने साथियों को धोखा दे देते हैं, ये एक पैटर्न है। चिराग पासवान क्या हम मेरा समर्थन करेंगे? समर्थन नहीं करेंगे ना। उनको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो जाने, लेकिन बिहार की जनता आज आदरणीय नीतीश कुमार जी में अपनी आस्था व्यक्त करती है और आगे भी आस्था व्यक्त करती रहेगी। अब उनके बातों पे मैं क्या कहूं, उनको जो बोलना था बोला, ठीक है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी पार्टी एकजुट है और हमारे बिहार की जनता अभी बड़ा यकीन करती है और आगे भी करती रहेगी। यानी ये है कि बिहार से आगे जाने का अभी तो मूड नहीं है नीतीश कुमार का, अनिल सैनी साहब। एक सेकेंड, हम लोग को शब्दों का ज्ञान नहीं है राजू जी। एक सेकेंड, मैं चाहती हूँ इस पर अनिल सैनी साहब अपनी बात रखे, क्योंकि उनको आगे कहीं जाना है, ये हमारा वादा था कि कुछ देर के लिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल जी, क्या पूछे? मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने कह दिया है कि कुर्सी पर किसी तरह का कोई बात नहीं हो सकती है, गठबंधन पर भले ही बात हो सकती है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, लेकिन कुर्सी पर आप बात मत कीजिए। कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, हमने तो बोला कि जो आरसीपी सिंह जी जो बोले कि इस जन्म में नहीं होंगे, सात जन्म में नहीं होंगे, इस जन्म में भी हो सकता है, इसका हमने संभावना व्यक्त किया था, ये संभावना हो सकती है। अच्छा, आपकी बातचीत हो भी रही है जेडीयू से या नहीं? हम लोगों से काहे बात होगी, हम लोग से, हम तो अभी दिल्ली में हैं, हमसे काहे बात होगी? नहीं नहीं, आपकी पार्टी से इसकी जानकारी नहीं है हमें। सैनी साहब को इसकी जानकारी नहीं है? पक्का इसकी जानकारी आपको नहीं सैनी साहब? नहीं, लेकिन दिल आपका कह रहा है कि सीएम की कुर्सी तेजस्वी साहब के पास चली जानी चाहिए। वो नहीं, परिस्थिति बस होता है ये सब, कोई ऐसी थोड़ी कैसी कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं सर, आपकी बातों के इशारे बड़े तगड़े हैं, वो चुप सकते हैं, वो जो इशारे हैं ना वो एकदम तीर की तरह चुप सकते हैं, वो हमें तो नहीं माधव आनंद जी को जरूर परेशानी हो सकती है। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।